data structure binary tree breadth first traversal so in the last video we have seen how we can traverse a binary tree there are two ways breadth first traversal and the depth first traversal so in this video we will see how we can implement the breadth first traversal as we know it can be traversed level ordered means as we know uh, what is level

लेवल ऑर्डर में क्या होगा कि फर्स्ट लेवल जीरो पर जो भी नोड है वो प्रिंट होगी मीन्स ए मीन्स जो वैल्यू ए है वो प्रिंट होगी देन बी देन सी राइट सो वी कैन से द फर्स्ट ए विल बी प्रिंटेड देन बी देन सी देन डी ई एफ जी बट एज वी नो नोड में क्या होता है कि नोड में एक तो वैल्यू सेव होती है प्लस जो भी नोड्स कनेक्टेड होती हैं उनका एड्रेस होता है अब जैसे फॉर एग्जांपल नोड ए है नोड ए के पास एड्रेस है नोड बी का और नोड सी का बट यहाँ पर ट्विस्ट क्या है कि बी के पास एड्रेस नहीं है ए का और सी के पास भी एड्रेस नहीं है ए का ये हम किस लिए कह रहे हैं कि फॉर एग्जांपल हमने जैसे कहा कि लेवल ऑर्डर के अकॉर्डिंग ट्रावर्स होगा तो फॉर एग्जांपल अगर ए पहले टावर्स हुआ या ए की वैल्यू प्रिंट हुई फिर उसके बाद हमें बी की वैल्यू प्रिंट करानी है बट बी की वैल्यू के बाद हम सी की वैल्यू कैसे प्रिंट कराएं क्योंकि बी के पास एड्रेस नहीं है सी का राइट ये दोनों आपस में कनेक्टेड नहीं है ये जस्ट ट्रावर्सल का एयर हुआ है राइट और इसी तरह से अगर हम बी तक पहुंच चुके हैं तो वापस हम ए के पास नहीं जा सकते सो तो दैट के ए से हमें एड्रेस मिल जाए सी का राइट तो इसका मतलब क्या है कि बी के पास एड्रेस नहीं है सी का और बी भी वापस ए के पास नहीं जा सकता क्योंकि बी के पास भी एड्रेस नहीं है ए का राइट right. तो इसको ट्रावर्स कैसे करेंगे हम सो वी कैन डू इज अगर हमारे पास ए नोड है और ए नोड के पास दोनों का एड्रेस है बी और सी का तो हम क्या कर सकते हैं ए के पास जितने भी नोड्स कनेक्टेड है मीन्स जितने भी चाइल्ड्स हैं उनका सभी का एड्रेस हम सेव कर लेंगे और जब भी हमें उसकी जरूरत हो हम उसको क्या कर सकते हैं फेच कर सकते हैं राइट तो ये किस तरह से इम्प्लीमेंट हो सकता है ये हो सकता है क्यू की हेल्प से क्यू में क्या होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट इसको हम कैसे कर सकते हैं फॉर एग्जाम्पल इन सभी नोड्स का एड्रेस यहां पर है राइट और क्योंकि ये एरे नहीं है तो ये कोई कॉन्टीन्यूस डाटा नहीं है कि हम एक के बाद एक एक्सेस कर सके या फिर हम बैक ट्रैक कर सके राइट तो सबका एड्रेस अलग अलग होगा मेमोरी में कहीं अलग अलग है ये सभी नोड और जस्ट ये पॉइंट आउट कर रहे हैं क्योंकि इनके पास सभी के पास एक पॉइंटर कनेक्टेड है जो कि नेक्स्ट नोड का एड्रेस बता रहा है राइट तो यहाँ पर हम क्यू की हेल्प से कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं कि फॉर एग्जाम्पल जो भी नोड है जो भी हम एक्सेस कर रहे हैं या फिर डिस्कवर कर रहे हैं जो भी हमें नोड मिल रही है फॉर एग्जांपल एक स्टार्टिंग में पॉइंटर है इस पॉइंटर के पास एड्रेस है फर्स्ट नोड का राइट right? तो हमने फर्स्ट नोड को एक्सेस किया तो इस नोड को हम यहाँ क्यू में एंटर करा देंगे इंसर्ट करा देंगे और इसके बाद हम क्या करेंगे जैसे हमें ये मिला और हमें क्यू में से इसको डिलीट करके प्रिंट कराना है फॉर एग्जाम्पल तो हम क्या करेंगे बिफोर डिलीटिंग फ्रॉम द क्यू और यहां पर प्रिंट कराने से पहले हम क्या करेंगे जो भी इसके चिल्ड्रन है कनेक्टेड उन सभी के एड्रेस को भी यहाँ पर इंसर्ट करा देंगे क्यू में राइट right? तो एक बार हम देख लेते हैं एक्चुअल में कैसे होगा फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट ए नोड है ए नोड का एड्रेस है टू हंड्रेड तो इसको हम क्यू में एंटर करा देते हैं राइट right? अब यहाँ पर हमें फाइनली हमें क्या करना है सभी नोड्स को वन बाय वन प्रिंट कराना है लेवल ऑर्डर से फर्स्ट लेवल पर ए है तो ए फाइनली हमें अब प्रिंट कराना है मतलब हम इसको क्या करेंगे यहां से डिलीट कर देंगे क्यू से और क्यू में क्या होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट सबसे पहले ये हुआ है तो यही हम क्या करेंगे डिलीट कर सकते हैं तो इसको डिलीट करने से पहले इसके साथ जो चिल्ड्रन है मीन्स इसके पास जितने भी एड्रेसेस हैं क्योंकि ऑब्वियसली ए के पास बी का भी एड्रेस है और सी का भी एड्रेस है तो इसको हम क्यू में एंटर करा लेंगे की बी का और सी का एड्रेस अब हम इसको डिलीट कर देंगे और फाइनली प्रिंट करा देंगे कि ए नोट है राइट right? अब नेक्स्ट हमें क्या कराना है बी को प्रिंट कराना है और हमारे क्यू में भी नेक्स्ट जो एलिमेंट है वो भी बी है तो बी को भी अब हम यहाँ से डिलीट करा के यहाँ प्रिंट कराएंगे बट अगेन हम क्या करेंगे इसको डिलीट करने से पहले इसके जितने भी चिल्ड्रन हैं उन सभी का एड्रेस मीन जो भी एड्रेसेस इसके पास है जिन भी नोट्स के उनको भी अगेन हम क्यू में इंसर्ट करा लेंगे तो हम क्या करेंगे डी थ्री हंड्रेड एंड ई थ्री ट्वेंटी फाइव इनको भी एंटर करा दिया अब हम बी को डिलीट कर सकते हैं ठीक है डिलीट करके इसको यहाँ पर प्रिंट करा लेते हैं अब फाइनली हमें क्या प्रिंट कराना है सी क्योंकि हमें नीचे चाइल्ड्स पर नहीं जाना था अकॉर्डिंग टू लेवल ऑर्डर हमें सी प्रिंट कराना है और अगर हम अपनी क्यू में देखें तो नेक्स्ट एलिमेंट भी सी है मीन्स यही जो है सबसे पहले डिलीट होगा तो इसको भी हम यहां से डिलीट कर लेंगे बट डिलीट करने से पहले क्या करेंगे इसके जितने भी चिल्ड्रन है उनका एड्रेस सेव कर देंगे क्यू में एंटर कराएंगे एफ एन जी और अब हम इसको डिलीट कर सकते हैं और यहाँ पर प्रिंट करा सकते हैं ओके okay? सो so, अब आते हैं नेक्स्ट एलिमेंट नेक्स्ट एलिमेंट डी ही कराना है और हमारे क्यू में भी डी एलिमेंट है तो इसको भी हम डिलीट कर देते हैं बट डिलीट करने से पहले इसके चिल्ड्रन को एक्सेस करेंगे हम बट क्योंकि यहाँ पर कोई चाइल्ड नहीं है तो इसका मतलब हम इसको डायरेक्ट डिलीट कर सकते हैं और यहाँ प्रिंट करा सकते हैं तो डी को भी प्रिंट करा दिया नेक्स्ट इज सी सॉरी ई नेक्स्ट एलिमेंट इज ई तो इसको भी डिलीट करके प्रिंट करा दे क्योंकि इसका भी कोई चाइल्ड नहीं है नेक्स्ट इज एफ एफ को डिलीट किया यहाँ प्रिंट हो गया और सिमिलरली जी जी भी यहाँ प्रिंट हो गया अब जब आपके पास ये क्यू एम हो एम का मतलब क्या है कि यहां पर कोई ऐसा एलिमेंट या फिर नोड नहीं है जो कि बचा हो ट्री में इसका मतलब हमने पूरे ट्री को ट्रावर्स कर लिया है लेवल ऑर्डर के अकॉर्डिंग ठीक है अगर यहाँ पर कोई भी चाइल्ड होता हम उसको फर्दर इंसर्ट कराते और फाइनली वो प्रिंट हो जाता ओके ओके